हेलो सो फैमिली, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना ट्विन फ्लेम जर्नी को, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी है को, आप पूरा नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ कि जो नॉर्मल मेडिटेशन होता, कुंडलिनी मेडिटेशन और चक्रास होते, चक्रा मेडिटेशन होता, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कि और ये भी कि कौन सा मेडिटेशन कितना इफ़ेक्टिव होता है। पहले बात करती हूँ कि नॉर्मल मेडिटेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मल मेडिटेशन में इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है, और इसमें व्यक्ति को सिर्फ अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत करना होता है। और ये मेडिटेशन उनके लिए होता है जो किसी अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं होते हैं। इसमें व्यक्ति बस थोड़ी देर के लिए शांत होता है, वो खुद को रिलैक्स करता है, और जो उसका पूरे दिन का जो रूटीन होता है उसमें जो वो थोड़ी पॉजिटिविटी फील करे। इसमें पर्सन डिज़ायरलेस नहीं होता, मतलब किसी व्यक्ति की रोज़ की दिनचर्या होती है, तो रोज़ की दिनचर्या में जो भी उसकी हौच-पौच वाली लाइफ होती है, ठीक है ना, उससे वो तंग आ जाता है। तो उसमें वो खुद को शांत महसूस कराने के लिए वो 10 मिनट का मेडिटेशन करता है। बट ये डिज़ायरलेस नहीं होता, इसमें पर्सन के डिज़ायर्स वहीं की वहीं रहती है। इससे लाइफ बस स्ट्रेस फ्री रहती है, एंड कुछ फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वेट मेंटेन रहता है, मेमोरी पावर शार्प होती है, बीपी स्टेबल रहता है पर्सन का। तो टोटली कहने का मतलब है, जो दिमाग में हौच-पौच हो रही होती है व्यक्ति को, इससे कुछ देर तक राहत मिलती है। और जो बाकी दो हैं मेडिटेशन, कुंडली मेडिटेशन और चक्रास, अक्सर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अपनी जर्नी में, अपनी इनिशियल स्टेज पे, जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है, कि किस मेथड को अप्रोच करें। और ये दो मेडिटेशंस उनके लिए होते हैं जिनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है और वो स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं। फ्रेंड्स, कुंडलिनी मेडिटेशन और चक्रा से होता है कि हमारी कुंडलिनी जो होती है वो जागृत हो जाती है, पर नॉर्मल मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता है। पर्सन उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, और ना ही नॉर्मल मेडिटेशन में जो व्यक्ति होता है वो निरंतर रोज़ ध्यान का अभ्यास कर रहा होता है। वो एक दिन करेगा, चार दिन छोड़ देगा, फिर करेगा, फिर छोड़ देगा। पर जो कुंडलिनी मेडिटेशन होता है, जो चक्रास होते हैं, वो हमें निरंतर यानी रोज़ करने होते हैं। कुंडली अवेकन करने के लिए हमें निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहना ज़रूरी होता है, और उसमें हमारा जो ध्यान है वो हमें थर्ड आई चक्र पे, जो आज्ञा चक्र होता है, उस पर केंद्रित करना होता है, और साथ में बहुत संयम रखना होता है। ये नहीं कि आपने चार दिन आपने अभ्यास किया और कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वक्त लगता है, ये डिपेंड करता है कि किसका कर्मा इकट्ठा हो रखा है। जिसका कर्मा कम रहा होगा, हो सकता है उसकी कुंडलिनी 2 महीने या 3 महीने में जागृत हो जाए, या किसी की 1 महीने में हो जाती है। अब अगर किसी का कर्मा ज़्यादा होता है तो किसी को 6 महीने या किसी को 1 साल तक लग सकता है। पर आप जानेंगे कैसे, अगर कोई बिगनर है, ठीक है ना, किसी को अगर कुंडलिनी का या चक्रास का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, पर उसको कैसे पता चलेगा कि वो निरंतर अभ्यास कर रहा है तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो जैसे वो कुंडलिनी ऊपर उठना होती है, फ्लो होना शुरू होती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, तो आपको थर्ड आई पर, जो आईब्रोज के बीच वाली जगह होती है, बिरकुटी होती है, जो थर्ड आई का सेंटर होता है, वहाँ पे आपको धीरे धीरे हल्का सा प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है, और बॉडी में कई तरीके के सेंसेशन शुरू हो जाते हैं। इसके जागृत होने पर रूट चक्र होता है ना, मूलाधार चक्र जहाँ होता है, जहाँ पे ये कुंडलिनी स्थित होती है, वहाँ पे स्पंदन होता है, यानी वाइब्रेशंस आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। तो जो मूलाधार चक्र होता है, का मुख्य स्थान होता है, और ऐसे आपके भीतर ऐसे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रास होते हैं। सृष्टि की मस्त शक्तियों के केंद्र होते हैं ये 7 चक्र। जैसे ही ये शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, ये जिन चक्रास पे जाके रुकती है, बिना उस चक्रा को सिद्ध किए, उस चक्रा की स्टैग्नेंट एनर्जी को बिना क्लींस किए, ये दूसरे चक्र पर नहीं बढ़ती है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो कहाँ आके रुकी है? आपको वो जिस चक्रा की तरफ पड़ेगी ना, उस तरह का आपको हल्के से झटके महसूस होंगे। जब तक ये शक्ति फ्लो होती हुई क्राउन चक्र, जो सरसा
चक्र होता है वहाँ तक नहीं पहुँच जाती तब तक हमारी साधना पूरी नहीं हो पाती। यानी कोई ये भ्रम में ना रख ले कि उसने है ना एक महीना अगर उसने मेडिटेशन किया ठीक है, बट उसकी कुंडलिनी क्राउन चक्र के पार गई ही नहीं है, वो शक्ति उसके पार गई नहीं और वो समझ रहा है कि उसने अपनी साधना पूरी कर ली नहीं, तो वो अपने आप को भ्रम में रखे बैठा है। साधना तब पूरी मानी जाती है जब जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो क्राउन चक्र को पार करके जो ऊर्जा है उसकी वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, मिल जाती है, तब माना जाता है कि साधना पूरी होती है और तब जाके व्यक्ति स्थिरता पाता है, यानी वो बैलेंस्ड होता है और मुक्ति की अवस्था में आता है, यानी वो थर्ड डायमेंशन से डिटैच हो जाता है और इसी को डिवाइन यूनियन भी कहते हैं। और इसके साइन भी आपको यूनिवर्स ध्यान में आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं उसमें आपको देते हैं या ड्रीम्स में देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपको थर्ड आई में जो विजन्स आएंगे वो आपको गॉड या गॉडेसेस के विजन्स आते हैं, आप जिस भी गॉड को मानते हैं शिव जी को ठीक है, कोई गणेश जी को, साईं बाबा जी को, कोई किसी भी गॉड गॉडेसेस को मानते हैं उसके विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, या आपको शिवलिंग दिखना शुरू हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि आपको मेडिटेशन में थर्ड आई दिख रही है या आपको ड्रीम्स में थर्ड आई दिख रही है, और भी बहुत सारे साइंस मिलते हैं। और मुझे भी ये साइन मिले थे जब मेरी साधना पूरी हुई थी, जब मेरा डिवाइन यूनियन हुआ था। और ट्विन फ्लेम्स को अपनी जर्नी पूरी करने के लिए कुंडलिनी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनका जो ड्यूरेशन होता है यानी जो नॉर्मल मेडिटेशन का ड्यूरेशन होता है वो तो सिर्फ 10 मिनट का होता है, बट कुंडलिनी अवेकनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक का होता है जो साधना होती है कुंडलिनी अवेकनिंग में। और अगर कोई ट्विन फ्लेम इससे कम की अंतराल की कोई साधना कर रहा है, यानी वो आधे घंटे से कम का मेडिटेशन कर रहा है, तो हो सकता है उसके डिवाइन यूनियन में डिले होने के चांसेस हैं, यानी देरी से हो। और अब बात करती हूँ चक्रास मेडिटेशन की। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत से ट्विन फ्लेम गाइडेड ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको पहले है ना कहेंगे कि अपने जो कुंडली जागृत करनी है वो पहले चक्रास करके करो, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चक्रास से अपनी कुंडलिनी पहले अवेक ना करें, आप जो नॉम कुंडलिनी मेडिटेशन होता है ठीक है उससे अपनी कुंडलिनी को जागृत करें। चक्रास पहले क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जब जर्नी हमें मिलती है, हमारी अवेकनिंग होती है, तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा कौन सा चक्रा अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है। सपोज़ किसी के साथ हो कि किसी का मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव है ठीक है, और वो अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठा रहा है मूलाधार चक्र पे ध्यान लगा के, तो इससे क्या होगा, उसका जो चक्रा होगा वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, यानी वो स्थिरता पे नहीं आएगा। पर इसमें कुंडलिनी मेडिटेशन में क्या होता है, आपको जो ध्यान केंद्रित करना होता है वो सिर्फ थर्ड आई पे केंद्रित करना होता है, तब भी कुंडलिनी जागृत होती है। और मैंने इसी तरीके से अपनी जागृत की थी, और जबकि मेरी जब अवेकनिंग हुई थी मुझे पता भी नहीं था कि कुंडलिनी वगैरह होता क्या है, और ये ज़रूरी भी होती है इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। पर मैंने कुंडलिनी मेडिटेशन करके यानी अपने थर्ड आई पे ध्यान लगा के अपनी कुंडलिनी को जागृत किया था। इससे ये होता है कि जो कुंडलिनी है ना वो इक्वली सारे चक्र से फ्लो होकर जाती है, जैसे कि सारे चक्र, अगर कोई चक्र अंडर एक्टिव है या कोई चक्र ओवर एक्टिव है ठीक है, तो वो स्थिरता पे आ जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो चक्रास मेडिटेशन होता ज़रूरी है ट्विन फ्लेम में, ज़रूरी होता है करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि काफ़ी इनर वर्क करने के बाद भी अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं है, यानी चक्र अंडर एक्टिव ऐसा लग रहा है साइन मिलने आपको, या ओवर एक्टिव पता चल रहा है कि रूट चक्र ज़्यादा ओवर एक्टिव है, या क्राउन चक्र ज़्यादा एक्टिव है, कि कहीं कहीं बार ना लोग मतलब शिकायत करते हैं कि उनको विजन्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, किसी को जो होता है अपने आसपास जो स्पिरिट्स होती है उनको फील होता है कि उनको वो फील होनी शुरू हो जाती है कि आसपास जो है स्पिरिट्स उनके बहुत ज़्यादा है, या किसी के ये भी एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो ड्रीम्स में आ रहे हैं लगातार, तो ये साइन दिखाता है कि जो थर्ड आई चक्र है और क्राउन चक्र होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
और फिर वो लोग परेशान भी हो जाते हैं। मैंने कई बार पढ़ा है, लोग लोग गाइडेंस ले रहे होते हैं कि नहीं कोई तरीका पता चल जाए, जैसे कि हमारा क्राउन चक्र या थर्ड आई चक्र बंद हो जाए, हम बंद कर दें इसको, वो परेशान हो जाते हैं। तो आप चक्रास तभी करिए जब आपको लग रहा है कि कुंडलिनी मेडिटेशन मेडिटेशन करने के बाद भी फिर भी अगर आपको कोई ना चक्र आपको इम्बेलेंस दिख रहा है, तब जाके उस चक्र पे वर्क करिए। कुंडलिनी मेडिटेशन का मैं क्यों क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुंडलिनी मेडिटेशन में जो शक्ति का फ्लो होता है, जो कुंडलिनी शक्ति का फ्लो होता है, वो सारे चक्रास में एक सा रहता है, तो सारे चक्रास स्थिर रहते हैं। बट चक्रा मेडिटेशन में चांसेस होते हैं कि किसी चक्र पर ज़्यादा ध्यान लगाने से वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और चक्रास पर ध्यान लगाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा चक्रा अंडर एक्टिव है और कौन सा ओवर एक्टिव है। जैसे कि ऊपर के तीन चक्र अगर किसी के सक्रिय हैं और नीचे के तीन चक्र कम सक्रिय हैं, उसके अंडर एक्टिव है, तो व्यक्ति अध्यात्म में ज़्यादा लगा रहता है। यानी ऊपर के तो उसके ज़्यादा हैं सक्रिय, क्योंकि जो हमारे ऊपर के चक्रास होते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हार्ट चक्र के नीचे तो जो तीन चक्रास होते हैं वो भौतिकता को यानी फिजिकल वर्ल्ड को, थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी के ऊपर के चक्रास सक्रिय ज़्यादा होंगे और नीचे के कम होंगे, ठीक है, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक कामों में ज़्यादा रुचि रहती है, जैसे साधनाएँ वगैरह करना, ठीक है, और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो करता है उसमें ज़्यादा रहता है। यदि नीचे के चक्र सक्रिय ज़्यादा हैं और ऊपर के चक्र बंद हैं या कम सक्रिय हैं, तो व्यक्ति जो होता है जो भौतिकता में लिप्त रहता है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, बस वो मोह माया में फंसा रहता है, बस इन्हीं के पीछे भागता है। सिर्फ जो भोग करने होते हैं, जो सांसारिक भोग होते हैं, उसमें उसकी रुचि होती है, और अध्यात्म का नाम सुन के ही कि अगर कोई उसको सलाह दे देगा मेडिटेशन की, ठीक है, या और कुछ, या जैसे भजन वगैरह सुना, ठीक है, तो उसको चिढ़ हो जाती है इन सब चीज़ों से, उसका बिल्कुल भी मन भागने लगता है इन सब चीज़ों से। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुंडलिनी मेडिटेशन से अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखें। अगर फिर भी कुछ चक्र आपको बैलेंस नहीं लग रहा है, देन आप चक्र मेडिटेशन की ओर रुख ले सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं। और कुंडलिनी मेडिटेशन से व्यक्ति अनावश्यक कामनाओं से, जो डिज़ायर्स हमारी ज़रूरी नहीं होती ना, उससे वो मुक्त हो जाता है, डिज़ायरलेस की स्टेट में आ जाता है, जैसा कि नॉर्मल मेडिटेशन में नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात जो अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं, ठीक है, आप अपना मेडिटेशन एक दिन के लिए भी स्किप ना करें, उससे ना छोड़ें। हाँ, किसी दिन ज़्यादा बिजी रहो, किसी दिन शेड्यूल आपका ज़्यादा बिजी है, तो भी सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपने अपना मेडिटेशन है जो 4 दिन भी अगर कंटिन्यू अगर आपने स्किप किया, उसे छोड़ दिया, तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो दोबारा अपने स्थान यानी मूलाधार चक्र में लौट जाती है, और फिर चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो दोबारा उठे या फ्लो हो पाए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल स्टोरी है, ये मेरे साथ हो चुका है। ओके डियर सोल फैमिली, आज की वीडियो में यही गाइडेंस देनी थी, कीप स्टिक टू योर इनर वर्क, हील एंड ग्रो, गॉड ब्लेस यू, ओम साईं राम।